तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात कर रहे थे साप्ताहिक राशिफल की। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपकी मीन राशि है तो आपका चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में 12 नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित हो सकता है। अगर फिर भी आपको आपकी राशि पता नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के हिसाब से वीडियोज़ को देख सकते हैं। यानी जो भी आपका नाम होगा उस पर्टिकुलर नाम के लिए कोई भी राशि है और उस राशि का वीडियो आप देखिए। तो बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 से 21 सितंबर के लिए, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा 15 से 16 सितंबर के लिए जो चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा वो आपके 6th हाउस में होगा, जहां पर सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। 6th हाउस में चंद्रमा के गोचर से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, हेल्थ को लेके थोड़ी समस्या होगी। हो सकता है आपको हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना पड़े, आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, और कोई ऐसी बीमारी जो आपको लंबे समय से चल रही थी तो वो भी आपको अचानक परेशान कर सकती है। तो ये 2 दिन का जो समय है उसमें थोड़ी परेशानी आपको होगी, और इसमें आपको 2 दिन में कोई शत्रु परेशान कर सकता है। इसके अलावा आपका जो रूटीन है, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो रूटीन है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। और कहीं ना कहीं आपके साथ जो काम करने वाले सहकर्मी हैं उनकी वजह से भी, उनके व्यवहार की वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। आपको थोड़ा सा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर आप जॉब करते हैं। तो ये जो कंडीशन रहेगी उसको थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। यहाँ से चंद्रमा देखेंगे आपके 12वें भाव को। तो 12वें भाव को जब देखेंगे तो अनिद्रा की समस्या रहेगी, रात को बुरे सपने आना, नींद नहीं आना, या आपको थोड़ी सी मेंटल टेंशन भी रहेगी, अवसाद की समस्या भी रहेगी माइंड में। तो इन सब को आपको संभालना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको समय पर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिससे आपके जो रोग है, जो भी आपको रोग हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा और आपको राहत मिलेगी। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे 17 और 18 सितंबर की, तो 17 और 18 सितंबर को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप बिजनेस के लिए ये स्थिति अच्छी मान सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नई पार्टनरशिप का भी आपको चांस मिल सकता है, या पहले से ही आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रखी है तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस समय में आप कर पाएंगे। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी तो वो आपकी दिक्कत इस समय में दूर होगी, और आपको जो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के बीच और आपके बीच जो तारतम्यता थी, जो आपका अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका था वो वापस से एक बार सामने आएगा। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मुश्किल परिस्थितियों से अगर आप गुजरे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो वो आपकी जो समस्याएं हैं वो हल होती हुई आपको नजर आएंगी। तो इस समय में आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप खुद ही अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं तरक्की देखने को मिलेगी। यहाँ से देखा जाए तो चंद्रमा सप्तम में है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भावनात्मक रूप से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश जरूर करेगा, और ऐसी कुछ स्थिति आपकी भी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि स्थान को देखेंगे। तो राशि स्थान को जब चंद्रमा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने बिजनेस और बिजनेस पार्टनर्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जो पिछले कुछ दिनों से आपने, पिछले 2 दिनों से विशेषकर जो समस्याएं झेली हैं वो अब आपकी दूर हो जाएंगी। उसके बाद 19 और 20 सितंबर को बात की जाए तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर ये तुला राशि में रहेंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली के चंद्रमा स्ट्रोंग नहीं है तो आपको अचानक धन का नुकसान हो सकता है, आपको आपकी वाणी के माध्यम से भी, वाणी की वजह से भी धन का नुकसान हो सकता है, फैमिली के साथ रिलेशंस खराब रह सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद हो सकता है। इसके अलावा आपके साथ चोट दुर्घटना की संभावना रहेगी, और धन का जो अचानक वे है कहीं आप कर देंगे, या धन का नुकसान यूं कह लीजिए, ये होने की चांसेस रहेंगे। अगर लेकिन आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजिशन काफ़ी अच्छी है, स्ट्रोंग पोजिशन पे हैं, यानी क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसी घटना जो आपकी लाइफ को अचानक चेंज कर सकती है, तो
तो इन सब से आपको सावधान रहना होगा, और साथ ही थोड़ा सा अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट से अवश्य सावधान रहिए। बाकी जो ये समय है वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इस समय में आपका इंटरेस्ट है वो रहस्यमय कहानियों में, रहस्यमय बातों में या अकल्ट साइंसेज में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो आगे अगर बात की जाए 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर को देखिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर ये आपके नवम स्थान में रहेंगे। नवम स्थान के चंद्रमा नीच के रहेंगे, तो लंबी दूरी की यात्राओं से कम लाभ होगा। आपको हायर एजुकेशन में कोई अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कुछ कोर्स करना चाहते हैं नया, या कुछ और आप रिसर्च वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आपको पेश आ सकती है। हालांकि एक समय के बाद आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन फिर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, और जो यात्राएं आप करेंगे उनसे हो सकता है कि आपको ज़्यादा लाभ ना मिले। यहाँ से चंद्रमा तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को जब चंद्रमा देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है उसमें आप सुधार कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ अपना जो रिश्ता है आप सुधार सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रेवल के चांसेस भी आपके इस समय में सामने आएंगे, तो उन सब में आपको सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। तो ये जो समय रहेगा वो एक तरह से जो भी लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं या धार्मिक फील्ड से जुड़े हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो राइटर हैं या फिर मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए ये जो समय है 21 सितंबर का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और धार्मिक यात्राएं करने का आपका मन रहेगा। तो कुल मिलाकर देखिए इस वीक में शुरुआत में हालांकि थोड़ी परेशानी आपको जरूर आएगी हेल्थ वगैरह को लेके, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपके यहाँ पे 17 और 18 सितंबर का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर से आपको 2 दिन थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको अंतिम दिन हालांकि चंद्रमा नीच के रहेंगे पर फिर भी आपको गोचर का लाभ मिलता रहेगा। भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये एक तरह से ये जो समय है, ये जो पूरा वीक है वो मिला जुला रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं रहेगा, तो बहुत कम रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, यानी नकारात्मक भी रिजल्ट मिलेंगे और सकारात्मक भी मिलेंगे। अब आप इनमें अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको किस प्रकार से अपनी लाइफ को ढालना है वो आप इस समय में सोच सकते हैं। तो ये समय कुल मिलाकर मिश्रित ही रहेगा। अब अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए ये जो वीक रहेगा वो एकदम साधारण सा रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा, पर फिर भी आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट यानी सफ़ेद। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।